महीने में खवातीन के ऊपर रहम करें, आपके पेट की वजह से उनके लिए सरदर्द नहीं होना चाहिए। खवातीन के लिए क्या होता है ये महीना, दिन भर इफ्तार की तैयारी और जैसे इफ्तार हो जाए फिर सहरी की तैयारी, फिर उसके अलावा अगर मेहमान भी हैं बर्तन धोने से लेके सारी चीजों की तैयारी, तो उनको हम रमजान में बावर्ची बना के रख देते हैं, उनकी भी तो आखिरत है, का कितना ख्याल रखते हैं हम लोग उनकी आखिरत। और फिर डांटते भी हैं, दिन पे चलो ये करो, आज बयान सुन के आया, हाँ बोलते ठीक है सुन के आया, लेकिन खाने की बातें आपकी कितनी है, कल क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनाओ कि मजा आ जाए। हम पेट के इतने लालची हो चुके हैं कि हमको खाने 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 के सिवा कुछ सोचता नहीं। रमजान में इसका ख्याल रखें, खाइए आप, मना नहीं है, खाइए, कौन मना किया भाई, वकुलु वशरबु वला तुसरिफु, खाओ पियो, हद पार मत करो, लेकिन खाने पीने में अपनी बीवियां इनका भी लिहाज रखो कि जन्नत इनके लिए भी है। कितने लोगों की इबादत नहीं हो पाती, कितनी खवातीन जिक्र अजगार और तिलावत और बहुत सारी नेकियां नहीं कर पाती, किसी वजह से जिम्मेदार कौन है, आप जिम्मेदार हैं उसके। कल को अगर वो जहन्नम में चली गई, उसकी नेकियां कम हो गई और गुनाह ज्यादा रहे, कौन जिम्मेदार रहेगा, आपने उसको मौका नहीं दिया। ऐसे महीने में हत्ता की लैलतुल कद्र भी आई और वो खाने पकाने में रह गई, आज खास पकाओ, एकदम आज बड़ी रात है, तो उसकी इबादत जाय हो गई। काश कि वो इबादत उस रात में कर लेती, उसको हजार महीनों का सवाब मिल जाता है, लेकिन आपकी वजह से वो नहीं कर पाई, वह हांडी चूल्हे में ही रहती। ये भी याद रखें, खवातीन का भी ख्याल करें, इस महीने में उनके लिए थोड़ी आसानी रखें।